अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही चटपटी, लजीज और हेल्दी रेसिपी, जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम टाइम में अपने घर पर बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने लिया है 1 छोटे चम्मच ऑयल, आप रिफाइंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से भूनना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर। मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे बहुत अच्छे से लो फ्लेम पर भूनेंगे। मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चनों को डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे मसाले को और चने को मिक्स करेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से चने में मिक्स करना है, ताकि मसाले का फ्लेवर चने में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। नमक मैंने बॉईल करते हुए डाल दिया था, अगर आपको कम लगे तो आप अभी भी इसमें नमक डाल सकते हैं। इस वक्त नमक इसमें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें 2 नींबू डालेंगे। उसके बाद 1 मीडियम प्याज को बारीक बारीक कट करके डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपको इसे थोड़ा सा और चटपटा करना है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा और नींबू डालकर इसे सर्व करें। बहुत ही लजीज चटपटे चने चाट बनकर तैयार हैं। इसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कम टाइम में अपने घर पर बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।